तो हेलो, क्या बोलते हैं पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग का टाइम बहुत ही बढ़िया जा रहा है। फिलहाल हम लोग बहुत ज्यादा चिल जोन में चले गए, मैं और सनी पिछले एक हफ्ते से आराम ही कर रहे हैं, मतलब मजा ही आ रहा है, कुछ खास कर नहीं रहे हैं, खा पी रहे हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। पर आज हम लोग रॉकी को वैक्सीनेट करवाने ले जा रहे हैं और ये बहुत ही एक इमीडिएट डिसीजन था। वैसे मैं काफी टाइम से सोच तो रहा था, पर कल मेरे को एक चीज़ पता चली जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो क्या चीज़ है मैं आपको वापस आके बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को फिलहाल लेट हो चुका है। मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। एक दिन वेस्ट होने के बाद अभी फाइनली टॉस होने वाला है। आज का कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आज जिस टाइम पर शुरू होना चाहिए था उसी टाइम पर शुरू हो गया है। टॉस अभी होने वाला है और हम रॉकी को लेके जाने वाले हैं। रॉकी कल बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार मैच पूरी तरीके से वेस्ट हो गया, पर एक दिन एक्स्ट्रा है तो अगर आज से सारी चीज़ें ऑन पॉइंट चली गई और सारी चीज़ें सही सही जाएंगी तो हमारा मैच जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा। जो एक्स्ट्रा डे है वो काम आ जाएगा। सारे जो भी एक्सपर्ट्स थे वो बोल रहे थे कि बॉलिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे को बैटिंग देखनी थी, पर इंडिया शायद ट्रबल में हो सकती है। फिलहाल ये टॉस हारना नहीं चाहिए था पर हार गए हैं, तो मैं इंडिया की बैटिंग देख के थोड़ा सा लालच में आ गया था। तो अभी हम लोग थोड़ा मैच देख रहे हैं, थोड़ा मैच देखने के बाद जाएंगे। वैसे भी रॉकी का वैक्सीनेशन शाम तक होते ही रहेगा और सनी थोड़ा हमारा मंचिंग लेके आ गया है जब तक हम लोग मैच देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है, अभी तक अच्छा खेल रहे शुभमन और रोहित, थोड़े बॉल्स अच्छे डाले हैं उन लोग ने, पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अभी हम लोग शायद 10-15-20 ओवर देखेंगे, उसके बाद रॉकी को लेके जाएंगे। ठीक है ना रॉकी, कोई ऐसे जल्दी तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं उसको जल्दी नहीं है। ऑलमोस्ट 20 ओवर का गेम खत्म हो चुका है, रन जो है 59 फॉर नो लॉस। तो अभी हम लोग अच्छी सिचुएशन पे है। एक जो है रोहित को बड़ी अपील हुई थी और रिव्यू भी लिया एनजी ने, पर वो वाला नॉट आउट डिसीजन था। LBW की अपील थी और एज लगा था। अभी रोहित ने बहुत ही कराकेदार एक शॉट मारा है, पर आउटफील्ड में एक बंदा है तो एक रन आएगा। तो 60 रन हो गए 20 ओवर में। अभी के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा रॉकी की वैक्सीनेट करवाने के लिए। रॉकी अभी चलते हैं, ठीक है? तो देखते हैं वापस आते हैं तब क्या स्कोर होता है। होपफुली विकेट नहीं गिरे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को। A few moments later. अभी हम लोग ने घर से निकलने की बात ही करी है और रोहित शर्मा का विकेट गिर गया है। रोहित भी निकल गया ग्राउंड से, कितना 30 मारा। अभी हम लोग अगर घर से निकलेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा यार, नहीं जाना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट हो गया था, मतलब गेम एकदम 60 रन हो गए थे और बढ़िया खेल रहे थे दोनों, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। कम ऑन मैन, एक बड़ी इनिंग की बहुत ज़रूरत थी। 34 एक बड़ी इनिंग नहीं है। और चलो रॉकी, चलो 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 चलो। तो राजेश चला गया है वैक्सीनेशन करवाने के लिए रॉकी का और मैं मैच देख रहा हूँ। 62 पे एक विकेट हो चुका है यार, रोहित आउट हो गया। जब जीरो विकेट होती है तब एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही अपने को ये होता है कॉन्फिडेंस अपनी टीम में। पर कोई बात नहीं, 10 विकेट्स का गेम है ये, सिर्फ 2 प्लेयर्स तो नहीं खेल सकते, तो विकेट तो गिरती रहती है। मेरा फेवरेट शुभमन आउट हो गया यार, बैगनर आया और पहले ही ओवर में ले गया, 2 विकेट जल्दी गिर गए। अभी जो पूरा मोमेंटम इंडिया के पास आया था वो शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे न्यूजीलैंड के पास। अब लंच तक हम लोग को सर्वाइव कर जाना है, यही होगा। और अब ये लोग ज़्यादा अटैक करेंगे क्योंकि लंच तक ये लोग एक या दो और विकेट की तलाश करेंगे जो हम लोग को नहीं देना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस, फर्स्ट सेशन ख़त्म हो गया है और 68 या 69 पे इंडिया के 2 विकेट के साथ इंडिया सर्वाइव कर गई। अच्छा हुआ एक और विकेट नहीं गिरा। पर विराट कोहली मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है एज ऑलवेज, और उन पर और पुजारा पर मेरे को बहुत विश्वास है टेस्ट मैच में खासकर। और उसके बाद भी मेरे को अश्विन तक, जो भी बैटिंग लाइनअप है उन तक ट्रस्ट है कि ये लोग रन मार सकता है। अभी तो सिर्फ 69 रन हुए, कम से कम 300-300 रन होने चाहिए तब जाके आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकते हो एक इनिंग के लिए। अब मैं जा रहा हूँ दूध लेने, दूध तो मैं ले आया, अब मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि साइकिल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी राजेश ले गया है। तो
10-15 मिनट लग जाएंगे मुझे जाके आने में, लेके आता हूँ फिर अगला सेशन देखता हूँ। टोपी पहन के गया था मैं, मेरी हालत कैसी हो गई यार इतना समय साइकिलिंग करने। मेरे को इतना मतलब लग रहा था कि मैं ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहा था साइकिल चलाने में, पता नहीं मैंने शायद फैट पुट ऑन कर लिया है या थोड़ी चर्बी बढ़ गई है शायद। 200-300 या मैक्सिमम 500 किलोमीटर में जाके आया हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल वो मेरे को पीरियड लग रहा था साइकिल चलाने का। कल से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और मैं कुछ ज़्यादा ही जंक फूड भी खा रहा हूँ, मिठाई हो गई, चॉकलेट हो गई, ये मैदा ब्रेड, कल पाव भाजी बहुत ज़्यादा खाई थी, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी सेकंड सेशन चालू हो गया होगा, देखता हूँ। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, रॉकी को हम लोग ने कार में बिठा दिया था। वैसे हम लोग जब वहाँ पे थे तब बारिश नहीं आ रही थी, पर जब वहाँ से निकल रहे थे तब थोड़ी बारिश शुरू होने लगी, तो मेरे पापा आजू बाजू ही थे तो मैंने उनकी कार में उसको बिठा दिया। तो अभी वो लोग आएंगे, मैं जल्दी आ गया क्योंकि मेरे को भीगना नहीं था। ऐसे स्कूटर पे जल्दी 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 घर पे आ जाते हैं। और अभी मैं आके देखता हूँ तो 3 विकेट हो चुके हैं और 100 ही रन हुए अभी तक अपने, 50 ओवर ख़त्म हो गए हैं, 50 ओवर के बाद 100 ही रन हुए हैं। खैर रन की कोई बात नहीं है, पर 2 एक्स्ट्रा विकेट चले गए, शुभमन गिल और चितेश्वर पुजारा आउट हो गए हैं। मेरे को इतनी अच्छी हालत लग रही नहीं है। कोहली बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, 77 बॉल्स में 27 रन है, और अजिंक्य भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 34 पे 8 रन है। रन्स का फिलहाल कोई नहीं है, ये जो आज का दिन है वो निकालने का सबसे ज़्यादा मेन है। 50 ओवर्स या फिर 30-40 ओवर्स और होंगे मेरे ख्याल से, बट देन एनीवेज अभी 4 दिन और है, और आज का दिन अगर निकाल दे तो रन्स तो आ ही जाएंगे, जैसे टाइम निकलता जाएगा रन्स आते जाएंगे। अभी के लिए टाइम निकालना सबसे मेन है। बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अभी वैसे मेरे को वीडियो एडिट करना है तो उस पर लगता हूँ, वो ख़त्म करूँगा, उसके बाद रॉकी को वैक्सीन वगैरह करवाई उसकी स्टोरी बताता हूँ मैं। अभी मैं नहाने गया था पर मैंने राजेश को बोला था कि नीचे से फ़ोन लेके आना, पर वो जानबूझ के नीचे छोड़ के आया और मुझे 3 माले नीचे जाके फ़ोन लेके आना पड़ा उसकी लापरवाही की वजह से। तो गाइस पिछले जैसे कुछ दिनों से चल रहा है, आज भी ब्लॉग बहुत लेट अपलोड होगा, आज सबसे लेट अपलोड होगा, आज 11:30-12 अपलोड होगा। मेरे को पता नहीं इतने लेट कोई देखता भी होगा या नहीं, पंखा बंद कर दे, पर अभी ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये लेट अपलोड जब भी ख़त्म होने वाला है। वैसे मैं ख़त्म काफ़ी दिनों से करना चाह रहा हूँ पर अभी मेरे को एक्चुअल में लग रहा है होने वाली है, गट फीलिंग है। तो हाँ वो एक चीज़, और आज रॉकी का वैक्सीनेशन हो गया, वो इमीडिएट डिसीजन था। वैसे मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मैं रॉकी का वैक्सीनेशन कराओ, पर फिर कल मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हुई और उसने मेरे को एक ऐसी चीज़ बताई जो मेरे को मालूम नहीं थी, फिर मैं जल्दी से रॉकी को एक ही मतलब कल उसने बताया, आज मैं लेके चला गया। मतलब मेरे को वो चीज़ बिल्कुल नहीं, क्या चीज़ थी क्या नहीं थी वो मैं आपको कल बताऊंगा, थोड़ी लंबी स्टोरी, और वैक्सीनेशन में क्या हुआ वो भी चीज़ कल बताऊंगा। और आज मैंने इंडिया वुमेन्स का मैच अभी अभी देख के ख़त्म किया, जो WTC फाइनल है वो भी आ रहा है पर वो शुरू होके बंद हो जा रहा है। आज बारिश नहीं हो रही है, आज जो बैड लाइटिंग का इशू है वो आ रहा है। 160 रन हुए थे ना, 140 रन हुए हैं, पर ऐसे फ्लो में गेम चल ही नहीं रहा है, रुक रुक के मज़ा भी नहीं आ रहा है और उन लोग को भी नहीं मज़ा आ रहा होगा खेलने में, और कुछ अच्छा खासा प्रोग्रेस हो भी नहीं रहा है गेम। तो इसी के चलते हम लोग ने WTC आते हुए भी इंडिया वुमेन्स का मैच ज़्यादा देखा। इंडिया वुमेन्स का मैच इतना तगड़ा चल रहा है, मतलब फॉलो ऑन कर रहे हैं हम लोग बुरी सिचुएशन में थे टू बी ऑनेस्ट, पर स्नेह राणा करके बैट्समैन है ना, स्नेह राणा और टीना भाटिया ने अभी जो लीड कुछ अपनी 11 रन की थी, 11 रन की लीड है और 2 ही विकेट बाकी अपने हैं, मतलब 2 लड़के आउट हो गए तो गेम ओवर हो जाएगा, और 11 रन तो कोई भी टीम ऐसे ही बना लेगी, पर वो 11 रन की लीड को सबसे ज़्यादा राणा ने, मतलब राणा कब से खेल रही है, दोपहर से खेल रही है ना शायद, मतलब अपने यहाँ के दोपहर से राणा खेल रही है, मतलब बहुत अच्छा मारा है। 11 रन से अभी कुछ 150 रन पहुँचा दिए ना, 150 रन पे पहुँचा दिए, अभी आज के शायद उन लोग के 20 ओवर बाकी है, हम लोग अभी सोने आ गए, थोड़ा लेट हो गया है, कितने 11 बज गए, तो हाँ गए तब हम लोग सोएंगे। होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स देखने के लिए, और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं टंग टंग करके आपके फोन पे आ सकूं और बोल सकूं कि चलो अपने मिलने का टाइम हो गया। दैट इज ऑल फॉर द वीडियो गाइस, आई विल सी यू गाइस टुमॉरो, पीस आउट।